हेलो, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना सब लोग अच्छे से एकदम? अभी जून अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम आ रहा है, आज 17 में हो गया है, 20 दिन बाकी हैं। हाँ, 20 या 15-20 दिन ज़्यादा। तो बच्चों, इस टाइम पे करना क्या है? इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात कि टेंशन नहीं लेना है। यार, तुम लोग टेंशन बड़ा लेते हो कि ये हो गया, ये नहीं हुआ। बच्चों, इस समय सिर्फ अपने को यही फोकस करना है कि अपना क्या हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा ये छूट गया है, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे ये कम है। नहीं, सिर्फ मुझे ये देखना है कि मैंने कितनी पढ़ाई की है, और मेरे पास अभी 10 दिन है, मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लूँगा। पॉजिटिव रहना है यार, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। उल्टा सीधा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई दोस्त है तुम्हारे जो यू नो, जिनको तुम फ़ोन करो तो बोले, अरे भाई तेरा ये वाला चैप्टर हुआ क्या, यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया, यहाँ पे नहीं। बस बच्चों, भूल जाइए सब कुछ। जो आपने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है, एग्ज़ाम में वही आने वाला है। बिल्कुल ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने मन में रखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बच्चों, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने में ही भलाई है। और बिल्कुल प्लीज़ ये मत सोचिए कि यू नो कि मैंने ये वाला पोर्शन स्किप किया, यार मेरे सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, यहाँ पे ऐसा था। आपके पास जो बुक है, और प्लीज़ हिम्मत मत करना कि कोई और बुक रेफ़र करना। अभी तक जिस बुक से पढ़ते हुए आ रहे थे वही बुक पढ़नी है। पूरा फेथ, पूरा विश्वास उसी बुक के ऊपर रखना है। एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब पढ़ने बैठो तो प्रॉपर आप वाटर डिहाइड्रेट मत होइए, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। और सुबह प्लीज़ 5 मिनट का मेडिटेशन सबको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेडिटेशन मीन्स यू हैव टू बस आँख बंद करके बैठ जाना है। कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई इस लेवल पर होनी चाहिए बच्चों। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे तो कंपलसरी है। आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो बच्चों 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए। बस पढ़ते रहिए बच्चों। टेंशन को किल करने का सबसे आसान रास्ता क्या है? एक्शन लेना। बिल्कुल सोचना नहीं है, सिर्फ एक्शन लेना बच्चों। सुबह 4 बजे उठिए, सिर्फ पढ़ने बैठिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए। आज कमनीला उठाया तो बस कमनीला पूरा ख़त्म ही करना है, चाहे कुछ भी हो। आज सिक्योरिटीज़ उठाया है, सिक्योरिटीज़ पूरा ख़त्म करना है। टैक्स उठाया तो उठा के सारे MCQs पढ़ना, पहले कंसेप्ट पढ़ना, फिर उसके MCQs बच्चों। और बच्चों करते ही रहिए। बस सोचना है बच्चों, रुकना नहीं है बस कहीं पर, क्योंकि दिमाग जिस समय आपने दिमाग को खाली रखा ना, आपका दिमाग 50 डायरेक्शन घूमेगा, ये कर लूँ वो कर लूँ। और बच्चों प्लीज़, आप रैंक लाने वाले हैं। अपने दिमाग को, अपने माइंड को बता दीजिए कि आप रैंक से कुछ कम लाने वाले नहीं हैं, सब कुछ बेहतरीन होने वाला है बच्चों। तो बस हिम्मत रखिए बच्चों, हिम्मत है मर्दा तो मदद एक खुदा। अगर इंसान खुद की मदद करता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। मम्मी पापा से बात करते हैं तो एकदम पॉजिटिव बात कीजिए। यार ये मत बोला कीजिए कि बहुत सारा पढ़ना बाकी है, ये बताया कीजिए मैंने इतना पढ़ लिया है। आप देखिए, थोड़ा सा सोच में हम बदलाव लाएंगे ना बच्चों, हमारी ज़िंदगी में कितना अच्छा बदलाव आता है बच्चों। और एक और चीज़, हर 15-20 मिनट में एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लाइए बच्चों। भगवान को थैंक यू बोलिए कि आप इतने अच्छे कोर्स से जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप इतने अच्छे हैं, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है बच्चों। और पॉजिटिव रहिए। एक जो आपकी कार सपने, जो आप कार खरीदना चाहते हैं उसको अपने सामने रख लीजिए, उसको देख के पढ़ाई कीजिए बच्चों। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको। सब लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं बच्चों। लव यू बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।